थोड़ा सा लग गई ना, स्क्रैच और सब करवाने का आप पैसा आप दोगे? कितने, चार लोग थे यही लोग? चार लोग एक गाड़ी पे। इसका स्क्रैच भी 10,000 का पड़ता है भाई। सॉरी ले दोगे? मैं सॉरी ले लूँगा, वो नुकसान कौन भरेगा? कल गोवा के कांदोली में दो अलग रेकलेस बाइकर्स ने मेरे BMW को आगे से और पीछे से ठोक दिया। जी हाँ, आज के इस वीडियो में, आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो डैश कैम का फुटेज और आपको बताने वाला हूँ कल एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले एक्सीडेंट या इंसिडेंट की। हम जा रहे थे कांदोली बीच वहाँ पे व्लॉग बनाने के लिए और शाम का समय था, सनसेट से पहले हम लेफ्ट मुड़े जहाँ पे कांदोली बीच की पार्किंग थी और एंट्री थी। और जैसे ही हम लेफ्ट टर्न मार रहे थे और इंडिकेटर दे दिया था लेफ्ट की तरफ मुड़ रहे थे, तो एक बाइकर अचानक जो बिना हेलमेट के था, बहुत सारा सामान लेके घूम रहा था अपने बाइक पे, रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने की कोशिश करता और सीधा फ्रंट बम्पर में जाके। तो आप पहले फुटेज देखिए, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। शाम के लगभग 5:30 बजे हम कांदोली पहुंच चुके थे और धीरे धीरे हम बीच की तरफ जा रहे थे। पहली बार हम कांदोली बीच जा रहे थे, इतने सारे हमने गोवा में ट्रिप्स किए हैं, कभी हमने कांदोली बीच नहीं देखा था, तो हम उस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड थे। आज के व्लॉग के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे। और यहाँ से जैसे ही आगे से हम लेफ्ट मुड़ते तो कांदोली बीच यहाँ से बस 2 मिनट का रास्ता था, हमको कार पार्क करनी थी और सनसेट के लिए हम एकदम राइट टाइम पे आ चुके थे। और टर्न मारने से पहले मैं इस कार को जाने देता हूँ ताकि मैं आराम से टर्न मार सकूँ। और आप देख सकते हैं मेरी स्पीड ऑलमोस्ट 10 के नीचे है और जैसे मैं लेफ्ट मारता हूँ बाइकर रॉन्ग साइड से ओवरटेक करके सीधा मेरे फ्रंट बम्पर में घुस जाता है। यहाँ पे मैं सोच रहा था साइड में पार्क करके नीचे उतरूं, लेकिन उतरे में ये बाइकर भाग गया। तो जैसा कि आपने डैश कैम फुटेज में देखा, कार लेफ्ट मुड़ रही थी, इस भाई साहब को बहुत जल्दी थी कहीं पहुंचने की, उसी चक्कर में भाई साहब सीधा लेफ्ट बम्पर में घुस गए। जैसे मैं कार से नीचे स्टेप करने वाला था तो भाई साहब बाइक लेके फटाफट वहां से भाग गए। और एक सेकंड में सोच रहा था उसको मैं चेस करूं और कन्फ्रंट करूं, लेकिन अगर आप गोवा के कांदोली बीच के उस लेन से वाकिफ हैं तो आपको पता है बहुत नैरो लेन, रास्ते पे लोग चल रहे थे, तो मैं सोचा अगर मैं यहाँ पे कार भगाऊंगा उसको चेस करने के चक्कर में तो हो सकता है मैं अपनी कार का और नुकसान कर दूं या किसी और को नुकसान पहुंचाऊं। तो मैंने बोला छोड़ो, इसको जाने देते हैं, क्योंकि मुझे पता था ये सारी चीज डैश कैम में रिकॉर्ड हो रही है तो मैं इसको बाद में पुलिस को दे सकता हूँ और होपफुली गोवा पुलिस इस पर फाइन लगाए या जो भी नेसेसरी लीगल एक्शन है वो लें, क्योंकि उसने हेलमेट भी नहीं पहना था और ऑब्वियसली रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा था। तो जहाँ पे इसने ठोका उस साइड का पूरा जो पेंट था वो चिप ऑफ हो चुका है और उसको मुझे अब रीटच करवाना पड़ेगा, जिसका लगभग 7,500 से लेके 12,000 तक का मुझे खर्चा आएगा। मैं पिछले 1 महीने से गोवा में हूँ और अगर आप मेरे पिछले कुछ व्लॉग देख रहे हैं तो आपको पता होगा मैं हर व्लॉग में यही बोलता हूँ जब मैं कांदोली कैलनगुड की तरफ जाता हूँ कि यहाँ पे मुझे बहुत डर लगता है। कुछ बाइकर्स जैसे बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट के और लेफ्ट राइट करके घुस जाते हैं। पिछले दिनों भी मैंने अपनी कार ऐसे ही कुछ बाइकर्स से बचाई थी, लेकिन आज मेरा बैड लक था और मैं एक नहीं दो रेकलेस इररिस्पॉन्सिबल बाइकर्स का शिकार हुआ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड एक्सीडेंट AKA इंसिडेंट के बारे में। जो फ्रंट बम्पर पे स्क्रैच लगा था उसका पूरा दिन मुझे कहीं ना कहीं बैकड्रॉप पे गुस्सा था ही, लेकिन फिर जब हम कांदोली बीच गए और फिर हम डिनर खा रहे थे तो धीरे धीरे वो गुस्सा आउट हो गया। कांदोली बीच बहुत खूबसूरत था, हम पहली बार वहां पे गए थे और वो जो लेन थी वो बहुत ही प्यारी थी। इनफैक्ट मैंने उसके बाद यहाँ पे सैंडी के नाम का टेम्परेरी टैटू भी बनवाया था। और डिनर करने के बाद हम वापस जा रहे थे तो जैसे हम कैलनगुड के पास पहुंचे अचानक पीछे से, और जैसे ही मैंने वो थर्ड आवाज सुनी मेरा दिमाग ब्लास्ट हो चुका था कि कुछ घंटे पहले ही मुझे 10-12 हजार रुपए का नुकसान हो चुका था। तो मैं तुरंत कार से उतरा और पीछे गया चेक करने के लिए कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो मैंने देखा वहां पे किसी बाइक ने मेरे कार को पीछे से ठोक दिया था और डिफ्यूजर जो था मेरे कार का वो पूरी तरह टूट गया था और एक नए डिफ्यूजर की कीमत है 17,000 रुपए, वो भी आफ्टर मार्केट वाला। जैसे ही मैं कार से उतरा मैंने सबसे पहले उस बाइक वाले का नंबर रिकॉर्ड किया और जब मैं वो कर रहा था तो मुझे काफ़ी सारे आसपास जो और बाइकर्स थे वो बता रहे थे कि इस बाइक पे, इस एक्टिवा पे 4 लोग थे। जी हाँ, पीछे ऐसे 2 बाइक्स थे जिसपे 4 लोग बैठ के घूम रहे थे। एक बंदा वो था जिसने मेरे कार को पीछे से ठोका और जो दूसरी बाइक पे 4 लोग थे वो भाग गए थे। कितने, 4 लोग थे यही लोग? 4 लोग एक गाड़ी पे। ये भाई साहब 4 लोग बैठ के गाड़ी चला रहे थे।
चार लोग बोलते हैं अनबैलेंस हो गया, आप चार लोग चला सकते हो गाड़ी, अब वो नुकसान कौन देगा? उसका स्क्रैच का आपको पता है कितना पड़ेगा उसका बम्पर लगाऊंगा तो? नहीं लग्जरी नहीं, चार लोग बैठ के बाइक चला रहे हो, गाड़ी ठोकते हो पीछे से, नहीं थोड़ा सा लग गई ना, वो स्क्रैच वो सब करवाने का आप पैसा आप दोगे? दे दो तो, थोड़ा सा लग गई तो आपकी अनबैलेंस कोई गलती आपकी है ना, दे दो मैं उसका रेट निकाल के देता हूँ, 6-8 हज़ार रुपये होगा रीटच का उसका, हो गया दिया तो नहीं है ना, तो दोगे आप पैसा दोगे अभी? तो चार लोग क्यों घुमा रहे हो? जी सर जोमेटो में से कहाँ से आप? नहीं सर मैं इसलिए लेट आउट में गाड़ी कट वो अभी क्या करूँ अभी हम उसका रिपेयर कर दोगे? हाँ जी जेब में ऑनर का नंबर नहीं है तो काम कैसे वहाँ पे किससे बात कर रही है? नंबर वाइज बताओ स्टाफ का नंबर है ना, कोई बात करके वो लोग तो चार लोग बाइक पे जा रहे थे गाड़ी ठोक दी थोड़ा सा नहीं चलो मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा हो गया जो भी हो गया अब आपकी वजह से गाड़ी मेरा गया ना वो सब उसका नुकसान कौन देगा? सर गलती हो गई सर प्लीज़ नहीं गलती हो गई गलती तो आप करके आए हो ना चार लोग थोड़ी बैठ के चलाते हो सर एकदम ही स्लो चल आप सॉरी ले दोगे मैं सॉरी ले लूँगा वो नुकसान कौन भरेगा? इसका स्क्रैच भी 10 हज़ार का पड़ता है भाई। करो ना अपने सुपरवाइजर को फ़ोन मारो सर कर रहे हैं बात हो लड़की कौन कर रहा है बुलाओ उसको और ये चार चार लोग बैठ के चला रहे थे भाई चार लोग एक गाड़ी पे बड़ा यूट्यूबर है उनका नाम जानते हैं हम लोग सैंडी लो सॉरी जाओ कम ओके दिस इज द करण ओके चलो जाओ थैंक यू सो मच यू आर द गुड मैन। तो जैसे आपने देखा इवेंचुअली मैंने उसको जाने दिया उसके बाइक की चाबी उसको वापस दे दी क्योंकि बातचीत में उसने बताया कि वो किसी होटल में काम करता है और मुझे पता था कि 25-30 हज़ार रुपए जो इसका खर्चा होगा वो हो सकता है उसके 2-3 महीने की सैलरी हो पर ट्रस्ट मी मुझे उस टाइम इतना गुस्सा आ रहा था ना इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि मुझे पता है एक टाइम पे कुछ सालों पहले जब मेरी सैलरी 6 हज़ार रुपए थी और मेरे पास ना बाइक थी ना कार थी और मुझे पहली बाइक खरीदने का एक्साइटमेंट था मुझे अभी भी वो दिन याद मैंने थोड़े थोड़े पैसे बचा के यामाहा की फेजर ली थी ईएमआई पे वो मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे था मेरी जिंदगी का बचपन से मेरा वन ऑफ द ड्रीम्स था कि मुझे बीएमडब्ल्यू खरीदनी है मेरी जिंदगी के पहले 25 साल तक मेरे पास कोई कार नहीं थी इनफैक्ट जब मैं 24 का था तो मेरा सपना था कि मैं एक सेकेंड हैंड जेन खरीदूं और फाइनली आज जब मेरे पास ये बीएमडब्ल्यू तो आप सोच सकते हैं उस कार से मुझे कितना प्यार होगा एक टाइम मेरी सैलरी शायद से कम थी मेरी सैलरी 6 हज़ार रुपए थी इनकी आई एम अज्यूमिंग ज्यादा सैलरी होगी और ये जो कार है मैंने अपने मेहनत से लिए मुझे किसी ने दी नहीं है इस कार इज लाइक माय बेबी होपफुली इसके बाद कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो और हम वापस गोवा के कल्चर गोवा के प्यारे बीचेस होटेल्स टूरिज्म के बारे में बातचीत करते रहेंगे आने वाले व्लॉग्स में।